हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ सिर अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 नेटवर्क। हर खबर खास, आइए देखते हैं क्या आज की खास खबर। यू आर वॉचिंग न्यूज़ 41 नेटवर्क। नेक्स्ट गाइडलाइन आने तक का क्या करना चाहिए? नेक्स्ट गाइडलाइन आने तक कृपया गाइडलाइन दी जा रही है उसका पूरा पालन करें। ठीक है। सरकार ने नई गाइडलाइन दी और अचानक बुधवाई रोड मोहम्मद अली रोड की दुकानें बंद कराने लगी पुलिस। तो दो दिन से हम रोजाना आ रहे हैं, कभी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से, कभी कोई और संगठन की जानिब से। आज हम कुछ जमाती तंजीम की जानिब से आए हैं। पूरे शहर के उलमाए किराम हैं जो लास्ट ईयर पिछले साल पूरे शहर को संभालने में सबसे ज्यादा रोल अदा किए थे, तो उलमाए किराम ने किया था। और वो लोग का आज एहसास ये हुआ है कि भाई अगर लॉकडाउन लगता है तो पब्लिक भड़क सकती है, अमन खराब हो सकता है, इसलिए हमारे को इस शहर का अमन प्यारा है, इस शहर की पब्लिक प्यारी है, सबकी जान प्यारी है। इसलिए यहाँ पर गुजारिश की गई है कि सरकार कोई न कोई रास्ता निकाले, पुलिस ऊपर लिख कर देवे कि अगर यहाँ लॉकडाउन बढ़ाया गया तो छोटा मोटा धंधा करने वालों को ज्यादा तकलीफ होगी। जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज आना 200 का काम करते हैं, छोटा सा थाला लेकर खड़े रहते हैं रोड पर, उनको भी पुलिस आज बंद की है। वो भी बोला गया कि अंजुमन चौक और बंगाल बाजार से जो छोटे लोगों को उठाकर लाई है उनको छोड़ देवे। और शहर में रमजान का महीना आने वाला है, उसका ध्यान करते हुए तमाम तर 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती भी है, महात्मा फुले जयंती भी है, त्योहारों का आने का समय है, इसलिए कोई तरीके से हमने खराब ना हो ऐसी गुजारिश हम किए हैं। यही इतना कहते हुए अपनी बात करें। एक मीटिंग बुलाई गई शहर के तमामी मकतबे फिक्र के उलमा, सियासी और मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदार। मैं भी बाहैसियत सदर सुन्नी अशरफ अकेडमी, तर्जुमान सुन्नी जमीयतुल इस्लाम और कुल जमाती तंजीम के एक अपना खादिम की हैसियत से शहर के लोगों की तकलीफ देखते हुए डिपार्टमेंट के सामने अपनी 2% बात जो मुझे कहना था, जो दिल में है, जो वही जबान पर है, इस तरह मैंने अपनी बात रखी। बिलखुसूस मसाजिद में जो नोटिस दी जा रही है, तो तमाम उलमा की जानिब से, तमाम मिल्ली तंजीमों की जानिब से मैंने साफ कहा है कि अगर आप लोग मस्जिद पे पाबंदी लगाएंगे और कहेंगे कि 5 आदमी नमाज पढ़ें, तो मैं अतहर हुसैन अशरफी सदर सुन्नी अशरफ अकेडमी, एसपी साहब, डीएसपी साहिबा वेडम से मैंने कहा है कि मैं जितनी मसाजिद का ट्रस्ट हूं, आपके सामने कैमरे के सामने ये बात का ऐलान करता हूं कि हमारी मसाजिद खुली रहेगी और वहां पर तरावी और 5 टाइम की नमाज मुकम्मल तौर से अदा की जाएगी।
और शहर में छोटे छोटे झोपड़े हैं, छोटे मकान हैं, लोग रोजा रहते हैं, लाइट नहीं है, गर्मी की शिद्दत है, तो लोग मस्जिद में जाकर खाने खुदा में जाकर आराम करते हैं और मस्जिद के जिम्मेदार उसका ख्याल रखते हुए एसी, कूलर, पंखे चालू करके चाहते हैं कि मखलूक खुदा खुदा को राजी कर ले। अगर खुदा राजी हो गया, खुदा ने हमसे खुश हो गया, तो ऐसी कई बीमारियां आएगी और जाएंगी और हमारी जिंदगी महफूज रहेगी। इसलिए शहर की आवाम से गुजारिश है, बहरहाल हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, हमें ये बताया गया है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए हमें एहतियात भी करना है और कानून का भी साथ देना है, जो गाइडलाइन है उसका भी साथ देना है, और इस तरह हमें रमजान पुरसकून तौर से गुजारना है। ऐसी तमाम मिल्ली तंजीमें, कुल जमाती तंजीम के लोग आए थे, जमीयतुल उलमा के लोग आए थे, सुन्नी दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, तमाम रजा एकेडमी और सारे मकतबे फिक्र के लोग आए थे, सब ने अपनी बात रखी है और डिपार्टमेंट ने हमसे वादा किया है कि हम कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे। इसी तरह खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 41 नेटवर्क।